बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मर रही नाजीन कराम मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने हहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी नाजीन कराम एक जानब तो पाकिस्तान में जो हालात हैं ये किसी भी लम्हे एक हल्के से मिस एडवेंचर के वजह से ये सिवल वॉर और खाना जंगी की तरफ बढ़ सकते हैं लेकिन अब लॉन्ग मार्च से कबल ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हो चुका है और मरीम नवाज ने इस वक्त जलती पर तेल डालने का काम बखूबी सर अंजाम दिया है और इमरान ख़ान को निकालने वाला मीर जाफर कौन था इस सवाले से मरियम नवाज ने खुलकर एक आग लगा दी है और एक ऐसे वक्त पर यह आग लगाई है जब लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रेड जोन में पाकिस्तान की अफवाज तलब हो चुकी है और इमरान खान ने भी आखिरी वार्निंग जारी कर दी है 25 मई की जो तारीख है ये ड्रावना खाब तो बन चुका है लेकिन इमरान खान ने इस मार्च से पहले ही बहुत से राजों पर से पर्दा उठाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है इमरान खान से कौन वक्त मांगता रहा इमरान खान से कौन दो दो दिन तीन तीन दिन का मजीद वक्त मांग कर इमरान खान के बकौल उनके साथ डबल गेम करता रहा और फिर इमरान खान ने सारे रबते क्यों कर मुनता कर दिए इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है जबकि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट इंपोर्टेड हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन देखने के काबिल है और ये हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं पुलिस ने माल बरदार कंटेनर इस वक्त पकड़ लिए हुए हैं एशियाई खुरनोश की किल्लत का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है और लोगों का सामान जो है जो कि एक्सपायर हो सकता है वो गल सड़ जाएगा और जो कंटेनर्स अब ये लगा रहे हैं उन कंटेनर्स के अंदर रेत और मट्टी भरी जा रही है ताकि आसानी इन कंटेनर्स को हटाया ना जा सके अब जारी बात है छोटे छोटे काफलों के बजाय लोगों को बड़े काफलों की सूरत में या फिर हर शहर से एक काफिला एक समुंदर का रुख अख्तियार करके अगर आएगा तो हो सकता है वो रुकावटें अबूर कर लें बिलखसूस पिशावर वाली साइड से इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं और देखना ये होगा कि इमरान खान किस तरह से दारुल हकूमत दाखिल होते हैं इतलात हैं कि मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर देंगे और इन्होंने दीगर हरबे भी अपनाने हैं बेनसूबाई ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद कर दी है मोटर वे को इन्होंने बंद कर दिया हुआ है और इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि जो इससे पहले तारीख में नहीं हुए और ये हुकूमत जो है ये अटक पुल पर तारकोल के जरिए शीशे के टुकड़ों को रोड पर लगा रही है और इस हवाले से फुटेजेस सामने आ चुकी हैं मेरे पीछे ये फुटेजेस चलेंगी भी और कौम को इनकी शक्लें अब जहन नशीन करनी होंगी कि इन्हीं लोगों ने आपके पास वोट मांगने आना है जो आपके पुरमन वोट के हक और आपके पुरमन एहतजाज के हक की राह में क्या रुकावट लगा रहे हैं सड़कों पर तारकोल की मदद से शीशे के टुकड़े यानी इस हद तक और इस लेवल पर आगे जा रहे हैं एम्बुलेंसेस को रोका जा रहा है और जो जो एक फस्ताइत की सोच रखने वाली हुकूमत करती है वो सारी चीजें वो सारे जो चेकलिस्ट के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत ये भानमती का कुंबा पूरी कर रहा है अब मरीम बीबी इस सारे मामले में कूद पड़ी मरीम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि इमरान खान की जो ये लॉन्ग मार्च है ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है और अल्लाह की शान के मरियम बीबी ये वही नवाज शरीफ की बेटी है जो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे भरती है कि नारे लगवाती थी गुजरा वाला का जलसा नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के सिपासी सालार और डी जी आई एस आई एस आई का नाम सरेआम लेना किसे नहीं याद लेकिन अल्लाह की शान के आज यही पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को एक अपने सियासी एजेंडे के लिए डिफेंड कर रही हैं और ये इन्होंने क्यों कहा है जिसके खिलाफ होता है कोई इकदाम वही डिफेंड करता है तो अब ये बिल्कुल ये चाह रही हैं कि हम साइड पर बैठ जाएं हम तमाशा देखें और पाकिस्तान के इदारे इमरान खान से लड़ाई लड़ें और मरीम नवाज ने ये कैसे हो सकता है कि अदलिया को भी ब्लैकमेल ना किया हो अदलिया पर भी प्रेशर ना डाला हो और कहती हैं कि अदलिया ये रिवायत ना डाले कि जो ज्यादा गालियां दे उसके हक में फैसले हों यानी कि अदलिया को भी कह दिया कि ये वाली रिवायत गलत है आपकी अपनी रिवायत ठीक करें ये गालियां दे रहे थे इसलिए इनके हक में फैसले आए हैं यानी कि अदलिया नीचे लग गई है अदलिया घबरा गई है अदलिया डर गई है तो ये इनका इस वक्त जहन बन चुका है और ये इनकी शहनशाही वाली जहनीयत है जिसमें ये धमकियां भी लगा सकते हैं ये पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान के इदारों को बदनाम भी कर सकते हैं और जो करना चाहे ये करते हैं जबकि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इन्होंने हर अरबा अपनाया हुआ है और फैजाबाद इंटरचेंज को सील करने का फैसला भी कर लिया है लेकिन दूसरी जानब इमरान खान जो है जिसके हवाले से वैसे ही सबको पता है कि वो बैक फुट पर नहीं जाता बल्कि इस तरह के इकदाम तो उसके हौसले बुलंद करते हैं इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए एट एनी कॉस्ट हकी आजादी मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा इस्लामाबाद भी जाएंगे जब तक इलेक्शन की तारीख हमें मौसू नहीं होती फिर इमरान खान ने बड़े अहम राजों पर से पर्दा उठाया है मैं सुप्रीम कोर्ट पर और ये जो फौज के साथ खान साहब को लड़ाने के वाले से इस वक्त एक मनसूबा है उस पर तो आता हूं लेकिन पहले जरा यह मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने कुछ राजों पर से पर्दा उठाया और अब चीजें वाजे होती जा रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को किसकी कॉल आई थी खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया को के मार्च को आगे कर दें अभी फैसला हो रहा है कल फैसला हो रहा है आज कल अभी कुछ दिन कुछ घंटों के बुनियाद पर मुझसे मार्च का फैसला और ऐलान आगे करवाया जाता रहा पर मेरे से इतने धोखे किए गए हैं मुझे इतनी मर्तबा पीठ में छुरा घोंपा गया है बैक स्टैब किया गया है इतने ज्यादा झूठ मैंने सुने हैं इनके कि मुझे गलत बताया गया कि ये हो रहा है वो हो रहा है मुझे मिस गाइड किया जाता रहा इनको पता था मैं बीस को ऐलान करूंगा फिर भी मैंने दो मजीद दिन दिए आखिरी चांस दिया अड़तालीस घंटे गए दिए पिशावर चला गया क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि मैं दो दिन दूं और उसमें मुझे बनी गाला से गिरा गफ्तार कर लिया जाए और इस वक्त अब किसी की मैं नहीं मानूंगा इलेक्शन की मुझे तारीख चाहिए अब इतने धोखे खा चुका हूं कि यकीन करना छोड़ चुका हूं और मुझे कह रहे थे कि बात हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है और ये पता चला मुझे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं तो फिर मैंने ऐलान कर दिया फिर मैंने कहा मैं नहीं रुकता और न्यूट्रल समेत किसी की तो नहीं थी कि कौम ऐसे जाग जाएगी यानी कि न्यूट्रल की मिसकैलकुलेशन पर भी इमरान खान ने बात की गुंजाइश नहीं है कोई न्यूट्रल रहे की तरफ गया तो बेटी रो रही है इस तरह के मामला रहा है, ये कर क्या रही है? तो यह चीजें इस वक्त बड़ी खुली इमरान खान इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा इमरान खान इस वक्त झुकने का नाम नहीं ले रहा वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं और उसने नंबर शंबर ब्लॉक कर दिए थे लेकिन उसने बीच में एक कम्युनिकेशन uh, चैनल है अभी तक है लेकिन वो कम्युनिकेशन चैनल आपने देखा खान का कॉन्फिडेंस के पिशावर जब ऐलान होना था इमरान खान ने हंसके का बंद कर दो शाह महमूद ने दिखाया ये देखें कॉल आ रही है फिर शाह महमूद ने उठा ली कॉल खान साहब के कहने के बावजूद के बंद कर दो फिर खान साहब ने एक मिनट बाद कहा बंद करो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं शाह महमूद ने कहा कि वो कह रहे हैं हम आपको ट्रैप कर देंगे आपको फंसा देंगे और इस वक्त Imported तो बुरी तरह फंस चुकी है इस वक्त imported तो ट्रैप हो चुकी है है जिसे अल्लाह ना ट्रैप करे उसे कौन ट्रैप कर सकता है। और इमरान खान निकल रहा हूं अब सबने निकलना यह बात अब तक नहीं रही जबकि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरखास्त समाज के लिए मुकर्र कर दी गई है जस्टिस एजाजन की सरबराई में तीन रुकनी बेंच कल केस की समाप्त करेगा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मजाहर अली अकबर नकवी भी जैन बेंच का हिस्सा होने जा रहे हैं और अब ये चीजें जो है ऑब्वियसली हो सकता है कि इंपोर्टेड हुकूमत के गले पड़ जाएं एन वक्त पर और इस मार्च को रोकने का जो गैर कानूनी और जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हमें हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है है प्रोटेस्ट करने का मरियम बीबी कहती इंटेलिजेंस रिपोर्टें आई हैं इनके पास असला होना था हमें इंटेलिजेंस रिपोर्टें आई हैं इन्होंने तकरीब करी भाई बताएं ना पकड़े उन्हें जिन्होंने असला पकड़े जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें आपके पास आई हैं लेकिन इस वक्त ये एक मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इधारों से फुल फ्लेज लड़वा दिया जाए इमरान खान का जो इस वक्त नैरेटिव है ऑब्वियसली वो फुल फ्लैज इदारों पर हमलावर नहीं हो रहे लेकिन वो एक अपनी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं कि इतनी बात करनी है इस मामले पे मैंने बात करनी है लेकिन इससे ज्यादा मैंने ट्रस्ट नहीं करना उस चीज को अब ये इंपोर्टेड एक्सप्लॉइट करेगा एक चीज वाजी है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की आवाम के मद्दे मुकाबल चाहे ये इंपोर्टेड पचास हजार कह दे फौज अवाम के मद्दे मुकाबल नहीं आएगी कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह नेगान पाकिस्तान